नमस्कार, इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने डीएवी पब्लिक स्कूल में चल रहे मतदान कर्मी पीठासीन पदाधिकारी के प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने महिला मतदान कर्मी एवं पीठासीन पदाधिकारी से किस प्रकार वोटिंग होगी, वोट की प्रक्रिया क्या है, इसकी भी जानकारी ली। बिहार विधानसभा 2020 निर्वाचन के बाबत एक डेमो बूथ का भी यहां निर्माण कराया गया था। बूथ पर किस प्रकार से वोटिंग होती है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मतदाताओं को लाइन में लगाया गया था। मतदान कर्मी पीठासीन पदाधिकारी से जिला निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी ली गई। वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर के डमी वोट भी डाले गए और वीवीपैट का भी जायजा लिया गया। हम देंगे उनको, किसी के पास नहीं है तो हम देंगे, और या तो वो अपना सीखने को मिल रहा है और ठीक है। मतदान में सर हिस्सा लेने का हिस्सा ले रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ये बात ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग इलेक्शन तो इस बार जो है महिला लोगों का पार्टिसिपेशन रहेगा ज्यादा, क्योंकि जूथ हमारे बढ़ गए कोविड के चलते, तो अच्छे से ये कर लेना है, तैयारी कर लेना है। और अभी जो है बिहार चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आप सभी को पता है कि फेज टू और फेज थ्री में पूर्वी चंपारण के 6-6 क्रमशः असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है 3 नवंबर और 7 नवंबर को इलेक्शन वोटिंग होने जा रहा है, काउंटिंग 10 नवंबर को हो रही है। क्योंकि इस बार एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है कोविड-19 है, तो कोविड-19 के मद्देनजर जो है क्या क्या व्यवस्थाएं रहेगी, हैंड सैनिटाइजर हो, मास्क हो, थर्मल स्क्रीनिंग हो, इसके बाद कोई सस्पेक्ट हमको मिल जाता है तो उसको लास्ट आवर में आके जो है वोटिंग करना है। इस बार 5 से 6 का टाइम भी बढ़ाया, मतलब 1 घंटा जो है टाइम बढ़ा दिया है कमीशन के द्वारा। तो ये सारी व्यवस्था और ट्रेनिंग के बिना जो है ये लोगों में जागरूकता नहीं आएगी। सर्वप्रथम जो है हमारे कर्मी जो है पोलिंग ऑफिसर्स 30,292 लोगों का जो है परसों अपॉइंटमेंट लेटर फर्स्ट इशू किया गया था, तो उन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए एक मॉडल बूथ या डमी बूथ हम जिसको कह सकते हैं कि ये किया गया है, तो इसमें जो है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी मिल रहा है उन लोगों को, और साथ ही में क्या क्या प्रक्रिया रहेगी कोविड के परस्पेक्टिव में, तो ये यहाँ पे व्यवस्था की गई है। बाद में इसी तरीके के मॉडल्स हम लोगों के बीच में जाके भी बनाएंगे, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी इस तरीके का रहेगा ताकि लोग भी जागरूक हो जाए। और इसके जो एक छोटा चलचित्र हम बनाएंगे ताकि लोगों को उसके माध्यम से भी हम अवेयर कर सके। तो बस यही है कि एक्सेसिबल इलेक्शंस जो हमारा मोटो है, नो वन टू बी लेफ्ट आउट, जो इलेक्शन कमीशन हमेशा चाहता है, वो सीनियर सिटीजन्स हो, पीडब्ल्यूडीज हो, कोविड हो, इस पर पोस्टल बैलेट की भी व्यवस्था की गई है, तो इसको धरातल पे अगर लाना है तो ट्रेनिंग के माध्यम से, डमी बूथ के माध्यम से जो प्रशिक्षण का काम है यहाँ पे किया जा रहा है। अपर समारता है और उनकी पूरी टीम है, तो इनको भी मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।